वेलकम टू माय चैनल एसीसी फुलप्रास। फ्रेंड्स, आई एम अशोक सर। फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12वीं क्लास के 100 मार्क्स हिंदी के दिगंत भाग 2 के काव्य खंड का पहला चैप्टर करवक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं, जो एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम लोग करवक काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर संभव हो पाया उसे हमने यहाँ पर बनाया और आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, अतः आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। चलिए, समय न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान था। यहाँ पर आंसर होगा हमारा अमेठी। दूसरा क्वेश्चन है कि जायसी थे, तो जायसी एक फकीर थे। जायसी जी क्या थे? एक फकीर थे। जायसी के पिता का नाम था, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या नाम था? शेख ममरेज। शेख ममरेज। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था, ये हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 1453, 1445, 1492 इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले कहा था आपको, जो बता रहे थे कवि परिचय तब, कि ये कोई कंफर्म डेट नहीं है, कंफर्म कोई इसमें नहीं है, परंतु हमारे पाठ पुस्तक के हिसाब से 1492 दी हुई है, तो हम 1492 को ही टिक करेंगे, ये 1492 वाला आंसर पर ही गोला लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी सूफी कवि हैं, भक्त कवि हैं, श्रृंगार कवि हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये सूफी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत के कवि हैं, किसके? पद्मावत के कवि हैं, तो होगा मलिक मोहम्मद जैसी, क्योंकि पद्मावत किसने लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसी के काव्य का मुख्य रस कहता है क्या है? जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? इसमें जो 4 रस ऑप्शन में है, रौद्र रस, भयानक, श्रृंगार रस, वात्सायन रस, यहाँ पर होगा श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है कि जैसी के काव्य की भाषा कौन सी है? तो हमने पीछे भी आपको कहा था कि इनके काव्य की भाषा कौन सी है? अवधी। करवक के कवि कौन है? तो जाहिर सी बात है कि जैसी जी हैं। जैसी स्वयं को किस दोष से युक्त होने पर भी गुणवान मानते हैं? तो जैसी जी नेत्र दोष से ग्रसित होने पर भी अपने आप को गुणवान मानते हैं। अगला है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? तो हमने यह उस समय भी कहा था कि एक ये प्रेम मार्गी है, परंतु ये प्रेम मार्गी के प्रतिनिधि कवि है, ये प्रेम मार्गी पर काव्यों की रचना करती है प्रेम मार्ग पर, परंतु यहाँ पर जो प्रेम है सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पर जैसी जी किस शाखा के कवि है? तो वहाँ होगा ज्ञान मार्गी। और जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो ये होगा प्रेम मार्गी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जैसी जी किस शाखा के कवि है? तो होगा ज्ञान मार्गी। और जैसी जी के हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे जैसी जी? तो होगा प्रेम मार्गी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जैसी का जन्म किस गांव में हुआ? जैसी का जन्म किस गांव में हुआ? तो यहाँ आपने पहले
पढ़ चुके हैं वह है जायस नामक गांव में। कहाँ हुआ था? जायस नामक गांव में। जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की? जैसी जी का जो एक आंख खराब था, दूसरा मतलब एक आंख से अंधे थे और एक आंख उसका सुरक्षित था, उसकी तुलना उन्होंने किस चीज़ से की? तो दर्पण से। आगे है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? जाहिर सी बात है प्रेम के पीर, क्योंकि प्रेम मार्ग कवि ही है, तो जैसी जी होंगे इसका आंसर। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के कितने गुरु थे? तो दो गुरु थे, हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर दोनों का नाम है, यहाँ पर एक दिया हुआ है पहला में शेख और जहांगीर सैयद, पहला में ऑप्शन है सैयद जहांगीर अशरफ और शेख मोहिदी, सैयद मोहिदी और शेख अशरफ, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है कि सैयद जहांगीर अशरफ और शेख मोहिदी उनके गुरु हैं। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? वह कहाँ था निवास स्थान? तो जायस तो हम लोग जानते हैं, परंतु वह जायस था कहाँ? देखिए पहला है जायस कब्र अमेठी राजस्थान, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, जायस कब्र अमेठी लाहौर और जायस कब्र अमेठी बंगाल। तो दोस्तों हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जायस कहाँ पर है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जायस उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि अमेठी हमने चर्चा की थी एक बार, तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश इसका होगा सही आंसर। अगला है कि करबक कहाँ से लिया गया है? जाहिर सी बात है करबक कहाँ से ली गई? पद्मावत से ली गई, पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम खंडों से जाय यहाँ पर ली गई है करबक। जायसी किस रोग के कारण कुरूप हो गए थे? तो ये हम भी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वह क्या था? चेचक था। जैसी जी चेचक के कारण कुरूप हो गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि अपने जन्म स्थान में रहते हुए कभी क्या कहलाए? तो जाहिर सी बात है कि जैसी जी का नाम पहले जैसी नहीं था और जन्म स्थान जैस में रहने के कारण उसका नाम जैसी हो गया, तो सही आंसर जैसी होगा। जैसी की मृत्यु कब हुई? फ्रेंड्स यानी हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जैसी जी की मृत्यु के बारे में भिन्न भिन्न बुक में कई जगह गूगल पर इधर उधर सर्च मारो, ये अलग अलग डेट आते, परंतु जो हमारा पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 दिया गया है उसमें जैसी जी की मृत्यु को 1548 दिखाया गया, तो हम 1548 को ही सही करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इसे सही से पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, इसे याद रखेंगे, जिससे कि बोर्ड में आप अच्छे मार्क ला सको। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इनके बारे में पता चले और क्वेश्चन को पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकें। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching.